पूर्व डीएफओ एके गुप्ता को निलंबित किया गया है। तो आपको बता दें कि पेड़ों के अवैध कटान पर एक कार्रवाई हुई है, जहां पर छिलका गुलिया हपले में डीएफओ फिलहाल नपे हैं, निलंबित उन्हें किया गया है। तो शासन ने वन विभाग से अटैच किया है, जहां पर गुप्ता भी आपको बता दें कि भूमि संरक्षण निदेशालय में तैनात है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर छिलका गुलिया घपले में डीएफओ एके गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। पूर्व डीएफओ एके गुप्ता, जो अभी आपको बता दें कि भूमि संरक्षण निदेशालय में तैनात हैं, तो शासन ने वन मुख्यालय के को अटैच किया है, और ऐसे में इस घपले में डीएफओ को निलंबित कर दिया गया है। और दिनेश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या सिर्फ अभी तक इन्हीं पर ये कार्रवाई की गई है, और क्या निलंबित जो किया गया है उसके आदेश दे दिए गए हैं पूरे? देखिए ऋतु, ये डीएफओ लंबे समय से चंपावत में रहे थे। 2012 से लेकर 2017 तक, 5 साल तक ये जब चंपावत में रहे, तब कई अनियमितताएं इनके द्वारा सामने आई। और जब सबसे ज्यादा हाईलाइट ये तब रहे जब इनका एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें ये लीसा के टेंडर के रुपये आवंटन करने के मामले में रिश्वत मांग रहे थे। तो ठेकेदार द्वारा इनका पहली बार ऑडियो वायरल किया गया। इसके बाद शासन ने संजीव चतुर्वेदी, जो कि आईएफएस हैं और हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र में वन संरक्षक के पद पर तैनात थे, और उनको ये जांच सौंपी। उन्होंने इस ऑडियो वायरल ऑडियो की जांच के बाद न सिर्फ इनको दोषी अपनी जांच में पाया, बल्कि कई इनके अन्य मामले भी वहां खोले गए, और खासकर चंपावत में एज ए वन प्रभागीय अधिकारी रहते हुए इन्होंने न सिर्फ अवैध कटान किया जंगलों का, और लकड़ी तस्करी जैसे कई संगीन आरोप भी उनके जांच के खुलासे में आए हैं। लिहाजा 2000 पन्नों की रिपोर्ट उन्होंने शासन को भेजी है, जिसके बाद शासन ने फैसला लिया है। अब देखना ये होगा कि आगे सरकार आरोपी डीएफओ के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। जी दिनेश, क्या अकेले इन्हीं पर यह भी कार्रवाई हुई है, या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कुछ और भी अधिकारी इसमें लपेटे जाएंगे? देखिए, अब फिलहाल अभी डीएफओ के ऊपर ही यह कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी जांच का दायरा बढ़ेगा, जिसके बाद डीएफओ के साथ साथ अन्य जो अधिकारी कर्मचारी होंगे उन पर भी गाज गिर सकती है। क्योंकि एक लंबा समय जो 5 साल का इन्होंने चंपावत में गुजारा, उस दौरान कई अनियमितताएं इनके द्वारा की गई, और सबसे खास बात यह है कि जिस अधिकारी को जंगल की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया था, उसी ने ही पेड़ कटवा दिए। और यही नहीं, जो लगातार लीसे के प्रकरण में इनका नाम सामने आया कि लीसे के ठेकेदारों से ये कमीशन लेते थे, तो कहीं ना कहीं जो है अब शासन की तलवार, सरकार की तलवार इनके ऊपर लटकी है, जहां इनको निलंबित किया गया है, और आगे अब सरकार किस तरह की कार्रवाई करेगी इनके खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, धन्यवाद आपका दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देहरादून से बड़ी खबर, और इसमें कहा जा रहा है कि दायरा जैसे जैसे इसका बढ़ेगा, आगे की कार्रवाई भी यहाँ पर होती चली जाएगी।